हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्ट्राइड फार्मा की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। थर्ड क्वार्टर 9 मंथ्स एंडेड का आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम लोग पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। और गाइज, यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिनांशियल रिजल्ट लैंडस्केप मोड में, पीडीएफ के अंदर लैंडस्केप मोड में, और अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बनाता हूँ गाइज, तो नंबर्स आपको क्लियर शो नहीं करेंगे। इसलिए गाइज, अगर आपको स्क्रीन पे वीडियो में अगर ये फिनांशियल रिजल्ट उल्टा शो कर रहा है गाइज, तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे आ चुके हैं। मिलियंस में नंबर है, इनकम है 1046 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1035 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 891 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 974 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 984.9 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 867 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस इंक्रीज डाउन है, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस में इंक्रीज किया है। जिसके बाद कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 10 करोड़ का गेन लॉस हुआ है, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 110 करोड़ का प्रॉफिट है, और पिछले क्वार्टर में लॉस हुआ है 156 करोड़ का लॉस है, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 78 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट है 10 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में अगर देखा जाए तो जो इस बार का प्रॉफिट है यहाँ पे अराउंड देख सकते हैं 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 149 करोड़ का लॉस है, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 82 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है। ईपीएस 5.42 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेगमेंट वाइज बात करें, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस और बायो फार्मास्यूटिकल बिजनेस, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है और बहुत प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के स्टैंडअलोन फिनांशियल रिजल्ट्स का, तो इनकम है 528.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 562.6 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 416.2 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 519.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 558 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर में 398 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस बहुत कम है, उसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ, लेकिन ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में एक्सपेंसेस इंक्रीज किया है, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का इस बार का 3.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4.1 करोड़ का, और दिसंबर 22 क्वार्टर 17.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1.2 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस इस बार का 0.28 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस, कंपनी के स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड, देखिए स्टैंडअलोन में बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया, लेकिन कंसोलिडेटेड में अच्छी रिजल्ट पेश किया, इसलिए कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।